इंदौर प्रेस क्लब में इंदौर नगर निगम की नई परिषद गठित हुई है, जिसका आज अभ्यास मंडल परिचर्चा की गई। इस कॉन्फ्रेंस में इंदौर बीजेपी सांसद शंकर लालवानी, कांग्रेस के पूर्व मंत्री विधायक जीतू पटवारी सहित शहर के कई गणमान्य लोगों ने शहर के हित में अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए व वहां पर मौजूद रहे। इंदौर के महानगर बनने को लेकर चर्चा पर लोगों ने उनकी राय दी। मास्टर प्लान को भी लेकर परिचर्चा की गई। गौतम कोठारी, पीतमपुर औद्योगिक के अध्यक्ष, पर्यावरण, आवास, ट्रैफिक की शहर में हो रही परेशानियां, इन सब को देखते हुए मास्टर प्लान बने, लेकिन ये बड़ा चैलेंज रहेगा। आने वाले दिनों में नगर निगम की परिषद किस प्रकार की हो, उनके सामने किस प्रकार के मुद्दे हो, उन सभी मुद्दों को लेकर आज इंदौर प्रेस क्लब में अभ्यास मंडल द्वारा कुछ विषय पर परिचर्चा रखी गई थी और उसमें एक्सपर्ट लोगों ने अपनी राय भी दी। जिस तरह से इंदौर तेजी से विकास कर रहा है, उन बातों को लेकर भी सुझाव आए और हम सब चाहते हैं कि इंदौर जैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, उन सभी बातों का समावेश हो और इंदौर में विकास के लिए और इसमें और अच्छी सुविधाएं जोड़ी जाए। उसमें नोट भी किया गया अलग अलग नदी पर्यावरण मास्टर प्लान इंदौर की गतिविधियों को लेकर। वहीं ड्रग माफियाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि देश के सबसे बड़े ड्रग माफियाओं को लेकर इंदौर में कार्यवाही की जा रही है। इनमें सरकार का स्पष्ट मंशा है कि किसी भी माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं। पुलिस के पास जो लिस्ट है शहर में उन लोगों पर और उन ड्रग माफियाओं पर लगातार कार्यवाही जारी है। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर के सांसद इस दौर में आईएम के सर्वे में अवार्ड मिला है, जो कि इंदौर के लिए खुद एक सुगद अनुभव है। मैं इस पूरी वार्ता को चर्चा को इंदौर के निगम परिसर की आने वाले समय में कैसे नवाचार हो, ऐसे लोगों का चयन हो जिससे लोगों को चुनाव लड़ा है और किस तरह की कमियां उसे दूर करें। जब नगर निगम बनती है तो कोई हद होती है, वह शहर की होती है, पार्टी की नहीं। इसको लेकर आज इंदौर प्रेस क्लब में अभ्यास मंडल द्वारा आयोजित किया गया था। इसको विकास, उन्नति, संस्कार, व्यवहार, भावी पीढ़ी को अच्छे संस्कार मिले, इसको लेकर इंदौर शहर को उतना ही जागरूक होना चाहिए जितना कि विकास और उन्नति के लिए रोजगार के लिए जागरूक होता है। सारी पार्टियों को लेकर काम कर एक इंदौर शहर का जैसा नेचर है, जैसे संस्कार है, जैसे अपने आप भी कुछ सिखाता है दुनिया को, देश को, प्रदेश को, मेरा अपना शहर, वैसा आज चर्चा हुई। और मैं मानता हूं कि इंदौर के सांसद इस दौर में आईएम के सर्वे में उनको अवार्ड मिला है, तो हम सबके लिए ये एक तरह से सुखद एक अनुभव है। मैं इस पूरी वार्ता को, चर्चा को इंदौर शहर की नई परिषद में आने वाले समय में कैसे नवाचार हो, कैसे लोगों का चयन हो जिसको हम चुनाव लड़ाएं, फिर उसके बाद उसके सोच, प्रशिक्षण और किस तरह की कमियाँ हैं जिसको दूर कर सकें। जब नगर निगम बनती है, परिषद बनती है, तो परिषद होती है शहर की होती है, पार्टी की नहीं होती है। तो मैं मानता हूँ कि उस सब पर ये अभ्यास मंडल ने आयोजन किया था, जैसा कि अलग अलग विषय थे, हर विषय पे बात है। एक है विकास की बात, उन्नति की बात, एक है संस्कार की बात, व्यवहार की बात, भावी पीढ़ी को अच्छे संस्कार मिले उसको लेकर इंदौर शहर को उतना ही जागरूक होने की आवश्यकता है जितना कि विकास और उन्नति के लिए, रोजगार के लिए। हमेशा कोई भी उन्नति जब तक आपको अंतर मन से प्रसन्न नहीं करती, तब तक उस वो उन्नति गौण है। तो मैं मानता हूँ उसमें संस्कारों की बहुत आवश्यकता है और सारी पार्टियों से ऊपर उठकर इस पर हमें काम करना चाहिए। आपकी तरफ से कुछ सुझाव दिए गए शहर के विकास को लेकर? मैंने जो दिए वो सब अपनी जगह है। मैं मानता हूँ कि अभ्यास मंडल ने उनको कंपाइल भी किया होगा। मैं, मेरी पार्टी का जब मैनिफेस्टो बनेगा तो मैं उनको कंपाइल करवाऊंगा। मैं समझता हूं सांसद जी भी करवाएंगे। मैं ये क्रिटिसिज्म का या पॉलिटिकल मैनेजमेंट का विषय ही नहीं है। हाँ, सोशल ऑडिट होना ही चाहिए। आप देखो, सांसद जी भी इस बात को मना नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति न पत्रकार, अभी नगर निगम में सबसे बड़ा लूप होल अगर कोई है, नगर निगम ही नहीं है, भारत की पूरी व्यवस्था में है, ऐसा भी नहीं कि कोई इसको नकार सकता है। और ये कोई दलगत बात भी नहीं, करप्शन 30% से ज़्यादा नगर निगम, नगर परिषद में लीकेजेज है, वो बंद होने चाहिए। मैनेजमेंट एक सोशल ऑडिट के पार्ट पे वित्तीय प्रबंधन होना अति आवश्यक है और ये एक पुश करेगा हमारे विकास को। तो मैंने उसको पॉजिटिविटी से किया, नकारात्मक या क्रिटिसिज्म भी कही कि विभागों में समन्वय भी होना चाहिए, विभागों का पुनर् मूल्यांकन कार्यों का करके एक दूसरे से समन्वय अति आवश्यक है, तभी तो अल्टीमेटली आप रिजल्ट की ओर जा सकते हैं वर्क के। तो ये होता है और जो करता है, जो लीडर होता है वो करता भी रहता है, ऐसा नहीं कि मैं ही कह रहा हूँ तो हो रहा है। चलो, आप धन्यवाद। कौन जल
सार्थक चर्चा हुई है शहर के विकास को लेकर, क्या बातें सामने आई? देखिए, आने वाली परिषद किस प्रकार की हो, उनके सामने कौन से मुद्दे हो, उन मुद्दों को आने वाले दिनों में किस प्रकार की नगर परिषद हो उसको लेके अभ्यास मंडल ने कुछ विषय पे चर्चा रखी थी और उसमें जो कुछ एक्सपर्ट लोग थे उन्होंने अपनी राय भी दी थी। हम सब चाहते हैं इंदौर जिस प्रकार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उन सभी बातों का समावेश हो जो इंदौर के विकास के लिए हों। बहुत सारे अच्छे सुझाव आए और सुझाव नोट भी किया। आने वाली परिषद अच्छी हो, शहर का विकास हो, शहर जिस प्रकार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और तेज़ी से आगे बढ़े, इसी लक्ष्य को लेकर आज भी बैठक थी, उसमें बहुत सारे सुझाव हमने नोट करे। कौन से सेक्टर के लेकर? अलग अलग है, नदी को लेकर है, पर्यावरण को लेकर है, मास्टर प्लान को लेकर है और ओवरऑल जो इंदौर में जो गतिविधियाँ चल रही है कि कैसे कल्चर्ड और इंदौर हो उसको लेके भी है। तो इन सब बातों पे आज चर्चा हुई, अच्छे सुझाव आए, उन सुझाव पे ध्यान रखेंगे।